हमारे चैनल आरजे ऑटोमोबाइल में यूट्यूब का एक चैनल जिसमें ऑटोमोबाइल के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। दोस्तों इसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इंजन से मिलने वाले पावर को और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इसके कुछ तरीके हैं जिनमें से हम आज एक तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि अगर हम इंजन में ज़्यादा फ्यूल एंटर कराते हैं तो मे बी उससे ज़्यादा पावर मिलने लगे। बट गाइस देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हम ज़्यादा उससे फ्यूल एंटर कराते हैं तो वो बर्न नहीं होगा, क्योंकि उसको प्रॉपर अमाउंट का एयर भी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। जब तक वहाँ पे परफेक्ट अमाउंट की ऑक्सीजन नहीं होगी तो सिंगल फ्यूल बर्न नहीं हो सकता है। तो गाइस इसके लिए हमें फोर्स इंडक्शन की यूज़ होती है। तो फोर्स इंडक्शन के लिए हम कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे टर्बो चार्जर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर चार्जर के बारे में। गाइस सुपर चार्जर टर्बो चार्जर की तरीके से ही वर्क करता है। एक्चुअली गाइस सुपर चार्जर टर्बो चार्जर से पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आइए देखते हैं सुपर चार्जर के बारे में, जो कि एक फोर्स इंडक्शन डिवाइस है। रूट सुपर चार्जर। दोस्तों सुपर चार्जर का काम होता है फोर्स इंडक्शन, मतलब सुपर चार्जर एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसकी मदद से एटमॉस्फेयर के एयर को फोर्सफुली इंजन में भेजा जा सकता है जिससे परफेक्ट कंबशन हो सके। गाइस सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर का काम एक जैसा ही है। हमने टर्बो चार्जर के बारे में अभी डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर टर्बो चार्जर के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों आज हम देख रहे हैं सुपर चार्जर। गाइस सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर दोनों सिमिलर हैं, दोनों में बस डिफरेंस ये है कि उनके मैकेनिज्म थोड़े डिफरेंट हैं। और गाइस सुपर चार्जर टर्बो चार्जर से पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, बट कुछ रीजंस की वजह से सुपर चार्जर को हम सारे गाड़ियों में यूज़ नहीं कर सकते हैं। गाइस सुपर चार्जर के कुछ टाइप होते हैं जिनमें से आज हम एक टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है रूट सुपर चार्जर। गाइस रूट सुपर चार्जर या इसे रूट ब्लोअर के नाम से भी जाना जाता है, रूट ब्लोअर बिकॉज इसमें एयर को बिना कंप्रेस करे इंजन के अंदर भेजा जाता है। एक्चुअली गाइस ये एक तरीके का पंप है, मतलब ब्लोअर है, जिसमें सिर्फ एयर को ब्लो किया जाता है। तो गाइस आइए देखते हैं रूट सुपर चार्जर की पोजीशन और द सिचुएशन। दोस्तों सुपर चार्जर मतलब इस रूट सुपर चार्जर की सिचुएशन के बारे में आप इसे वर्किंग कैसे जान सकते हैं, मतलब सुपर चार्जर का काम क्या है, फोर्स इंडक्शन, मतलब यह इंजन के पास ही सिचुएटेड होगा। तो गाइस ये देखिए आप, जैसे कि यह इंजन है तो इसके ऊपर में यहाँ पे रूट सुपर चार्जर सिचुएटेड है। तो गाइस क्या होता है कि यह रूट सुपर चार्जर सीधे एटमॉस्फेयर से एयर सक करता है और इसे इंजन में भेज देता है, बट इन दोनों के बीच में एक इंटरकूलर लगा हुआ होता है। गाइस इंटरकूलर बेसिकली एटमॉस्फेरिक एयर को ठंडा करने के काम आता है। गाइस क्या होता है, हाई टेम्परेचर गैस, मतलब अगर गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पेस लेगा, मतलब अगर गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर हैं, और अगर उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं तो एंट्रोपी ज़्यादा हुई, मतलब अगर एंट्रोपी ज़्यादा है मतलब रैंडमनेस ज़्यादा है, जिसके लिए उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर में हैं तो यह ज़्यादा स्पेस लेगा। तो जब ज़्यादा स्पेस लेगा तो हम ज़्यादा अमाउंट का एयर अंदर भेज नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एयर को ठंडा किया जाता है। और मतलब ठंडा एयर तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे वो लेस स्पेस लेगा। अगर कम स्पेस लेगा तो उस कम स्पेस में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का एयर हम इंजन में भेज सकते हैं। तो गाइस इसलिए यहाँ पे एयर को ठंडा किया जाता है। गाइस यहाँ इंटरकूलर में एयर को ठंडा करने के लिए वाटर इनलेट एंड आउटलेट की जगह होती है, मतलब कंटिन्यूसली यहाँ से वाटर को अंदर भेजा जाता है और बाहर निकाला जाता है, जिससे वह हीट गेन कर सके, मतलब हीट एक्सचेंज हो सके और यहाँ से एयर ठंडा हो सके और इंजन के अंदर जा सके, जिससे परफेक्ट कंबशन होगा। गाइस ये रूट सुपरचार्जर इंजन की मदद से चलता है, मींस इंजन के क्रैंक शाफ्ट से यह रूट सुपरचार्जर जुड़ा हुआ होता है, विद हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ बेल्ट पुली या फिर किसी तरीके के गियर ट्रेन सिस्टम से। गाइस यह था बेसिक वर्किंग ऑफ रूट सुपरचार्जर। बट इस रूट सुपरचार्जर के अंदर में बेसिकली कौन सा मैकेनिज्म होता है उसके लिए देखिए जरा, यहाँ कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म आपको रूट सुपरचार्जर के अंदर में मिलेगा, जिसमें यहाँ पे कुछ दो गियर्स होंगी, लाइक एक गियर यहाँ से एक गियर यहाँ से जुड़ा होता है। एक्चुअली गाइस यह लोब होता है जो कि बाहर यहाँ से दो गियर्स निकले होते हैं जो इस बेल्ट पुली की मदद से चलता है। गाइस इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लोब पंप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जितने अमाउंट का
फ्लूइड या सक कर रहा है उतने ही अमाउंट का उसे आगे की ओर ट्रांसफ़र करता है। मतलब इसमें किसी तरीके का कंप्रेशन नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ एयर को ब्लो किया जा रहा है। गाइस यहाँ पे लोब भी दो टाइप के होते हैं, ट्विस्टेड लोब और स्ट्रेट लोब। ये दोनों लोब कुछ इस तरीके के होते हैं, बट ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। गाइस ये एक दूसरे के साथ में कुछ इस तरीके से सिचुएटेड होते हैं और रोटेशन करते हैं। तो गाइस होता क्या है कि जब ये रोटेट करते हैं, मतलब जब इंजन स्टार्ट होता है तो बेल्ट पुली की मदद से सुपरचार्जर भी रोटेट होना स्टार्ट होता है। और उसके रोटेट होने पर कुछ इस तरीके से यहाँ से एयर इस चैम्बर में अंदर जाता है एंड लोब यहाँ से रोटेट होते हुए इस एयर को यहाँ से प्रेस करते हुए यहाँ अंदर की ओर ले जाती है। ठीक उसी तरीके से एयर यहाँ से अंदर आता है, इसके लोब के रोटेशन के कारण में एयर यहाँ से होते हुए अंदर की ओर जाती है। तो गाइस हमने यहाँ पे सिर्फ एयर को ब्लो किया अंदर की तरफ, इसमें किसी भी तरीके का कंप्रेशन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से यह रूट सुपरचार्जर वर्क करता है, जिसमें इस तरीके के वेन्स होते हैं या लोब्स होते हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। मतलब एक जो है क्लॉकवाइज में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करेगा एंड इसकी मदद से हम रिक्वायर्ड अमाउंट का एयर इंजन के अंदर भेजते हैं, जिससे कि परफेक्ट कंबशन होता है। गाइस इस सुपरचार्जर के कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि ज़्यादा पावर, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर ले सकते हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि यह इंजन से ड्राइव लेता है, मतलब इंजन की कुछ पावर इस पर वेस्ट होती है। तो आप इसे इसका डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, बट यह उसे बहुत ही हाई अमाउंट का पावर भी देता है। एंड गाइस यह थोड़ा सा बल्की होता है, इसलिए मतलब इसका वेट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसे आप सारी गाड़ियों में इसे पुट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसे मसल गाड़ियों में पुट किया जाता है या फिर ऐसी गाड़ियों में पुट किया जाता है जो कि हायर वेट ले सकते हैं। गाइस अगर आप सुपर चार्जर देखना चाहते हैं तो आप मसल गाड़ियों में इसे देख सकते हैं, और आपने अगर फास्ट एंड फ्यूरियस देखा है तो उसमें आप मसल कार के ऊपर में इस रूट सुपर चार्जर को लगा हुआ देख सकते हैं। तो गाइस बेसिकली इस तरीके से यह रूट सुपर चार्जर वर्क करता है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे आज के वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन हिट जरूर करें, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और नीचे बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप हमारे सारे वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं।